ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम यहाँ आपको अपने चैनल पे हर दिन कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ और आपको आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। दोस्तों आज हम आपको वास्तु से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। कई बार घर में गलत स्थान पे गलत चीज़ रखने के कारण या फिर गलत स्थान पे गलत चीज़ होने के कारण घर में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट आ जाता है, विघ्न बाधा रुकावट आने लगती हैं, नकारात्मक ऊर्जा आके घर में विराजमान हो जाती है, जिससे कि परिवार का माहौल और पैसे की तंगी होती है और घर में आए दिन गृह कलेश होता रहता है। लेकिन अब आप चिंता न करें, हम आपको जो इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं उसके बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी उपायों की ज़रूरत है वह भी इनका पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों जल है तो कल है, जल मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जल के बिना मनुष्य क्या, जानवर क्या, चिड़िया का, किसी का भी जीना असंभव है। इसी के साथ हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जल की तस्वीर यानी पानी की तस्वीर, बहते पानी की, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये अपने घर में लगाने से तस्वीर आपके घर में सारी विघ्न बाधा रुकावट खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी बहते पानी की तस्वीर जैसे झरने की है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यह आपको अपने घर के बालकनी में लगानी है। जी हाँ, इससे यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है या बुरी नज़र या टोटके किए जाते हैं तो वह सब विफल हो जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जितनी भी विघ्न बाधा रुकावट थी वह समाप्त हो जाएंगी। एक चीज़ और, यदि आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और आपके घर में बालकनी नहीं है तो यही तस्वीर पानी की आप अपने घर के लॉन में यानी आंगन में लगा सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़, अगर आपके घर में अन्न धन की कमी है, कहने का मतलब यह है कि आपके घर में आर्थिक संकट है और आप उतना नहीं कमा पाते जितना आपको कमाना है, तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, ये एक चीज़ आपको करनी है। आपको पानी से भरी सुराही यानी पानी से भरा घड़ा अपने घर के उत्तर दिशा में रखना है या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी दाएं तरफ रख सकते हैं, जहां आपको ज़्यादा सही लगे वहां आप इसे रख सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आकर्षित होती हैं दोस्तों, और इसलिए वह आपके घर में आके विराजमान हो जाती हैं। पानी के घड़ा बहुत शुभ माना जाता है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप ध्यान रखें उत्तर दिशा में या मुख्य द्वार के दाईं तरफ यहाँ रख दें और दोस्तों फिर देखें आपके घर में पैसों की जितनी भी तंगी थी वह ख़त्म हो जाएगी और आपकी आय में भी तरक बढ़त होगी। दोस्तों ये बहुत सरल उपाय है, एक बार करके ज़रूर देखें, आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।